नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अध्याय 18, जो कृषि से संबंधित होगा। और कृषि से संबंधित हमने चर्चा की थी विश्व में भी, लेकिन आज की इस क्लास में जो चर्चा होगी कृषि संबंधी, वो होगी भारत से। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो कृषि है उसका महत्व क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे, कृषि का महत्व क्या है। महत्व की अगर बात करें तो सर्वाधिक रोजगार का साधन बताया गया है कृषि को। क्या बताया गया है, सर्वाधिक रोजगार का साधन। और पीछे हमने पढ़ा था कि जो 80% जनसंख्या है वो किस पे निर्भर है, कृषि कार्य पे निर्भर है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है बेटा कि उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति, यानी उद्योग जो हमने पढ़े थे उसमें भी ये पॉइंट आया था कृषि संबंधी। उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति, यानी उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है। अगला है राष्ट्रीय आय का साधन। राष्ट्रीय आय का साधन क्या है, राष्ट्रीय आय का भी साधन बताया गया है किनको, कृषि को। इसके अलावा हम बात करें तो विदेशी जो मुद्रा है उसकी भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, यानी भारत में जो कच्चा माल तैयार होता है वो हम कहाँ पे बेचते हैं, विदेशों में। या फिर मैं कहूँ जो कृषि से जो उत्पाद हम प्राप्त करते हैं उनका भी हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं अन्य देशों को। तो अन्य देशों को अगर हम निर्यात करेंगे तो उनसे हमें क्या प्राप्त होगी, विदेशी मुद्रा की क्या होगी, प्राप्ति होगी। अगले पॉइंट की बात करें तो पौष्टिक पदार्थों का क्या होता है, उत्पादन होता है। जो पौष्टिक पदार्थ हैं उनका क्या होता है, उत्पादन। अगला पॉइंट आता है इसमें यातायात संसाधनों का विकास। यातायात संसाधनों का विकास, इस प्रकार से महत्व में कितने पॉइंट रखे हैं, 6 पॉइंट हैं। 6 के 6 हमने कहीं न कहीं पढ़े हैं पहले भी, केवल इनको देखना है कि ये है क्या, किसमें है। तो महत्व है बेटा किसका, कृषि का, यानी कृषि का क्या महत्व है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आपको ये 6 पॉइंट बताने हैं। पहला है कि कृषि है उसे सर्वाधिक रोजगार क्या होता है, प्राप्त होता है, यानी कृषि से क्या होता है, सर्वाधिक रोजगार प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है कि कृषि से हमें उद्योगों के लिए किसकी प्राप्ति होती है, कच्चे माल की प्राप्ति होती है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय का साधन, यानी जो हमारे राष्ट्र की आय है उसका जो प्रमुख साधन है वो क्या बताया गया है, कृषि को ही बताया गया है। चौथा पॉइंट आता है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, यानी जो हमारे यहाँ पे जिन कृषि से उत्पादों की प्राप्ति होती है उन उत्पादों को हम दूसरे देशों में क्या कर देते हैं, निर्यात। और निर्यात करने से दूसरे देशों से हमें क्या प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट आता है पौष्टिक पदार्थों का उत्पादन, यानी कृषि से ही हम किन पदार्थों का उत्पादन करते हैं, जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं उनका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। लास्ट पॉइंट आता है यातायात संसाधनों का विकास,
जैसे जैसे कृषि कार्यों में विकास बढ़ा है उसी प्रकार से यातायात जो संसाधन है उनमें भी धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया बेटा, विकास होना शुरू हो गया है। तो ये हो गए कृषि के महत्व संबंधी बातें। अब कुछ से टॉपिक लिखेंगे हम महत्व के बाद कृषि से संबंधित हैं। पीछे हमने देखा था कि एक जीडीपी नाम का कुछ चला था, कई दिनों तक चला था कि भारत की जीडीपी गिर गई है, तो उस जीडीपी में जो हमारी कृषि है उसका कितना योगदान रहा है उससे संबंधित हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो भारतीय कृषि है, जो भारतीय कृषि है उसे प्रत्यक्ष रूप से एक होता है प्रत्यक्ष और एक क्या होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से कितनी जनसंख्या इस पर निर्भर है तो वो चीज़ देखेंगे। तो प्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो भारत की 54.6% जो जनसंख्या है वो क्या है बेटा, कृषि पे निर्भर है। इस पे निर्भर है, कृषि पे निर्भर है। वैसे तो मैंने कितना बताया था अभी, लगभग 80%, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें यानी इतने लोग तो निश्चित रूप से लगे हुए हैं जो सीधे जुड़े हैं, और अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि बीच में कोई ना कोई क्या होता है ज्वाइंट होता है। जैसे व्यापारी लोग भी कृषि से जुड़े होते हैं लेकिन उनका माध्यम क्या है, किसान है, वो सीधे नहीं जुड़ के किसान के माध्यम से कृषि के साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या आता है अप्रत्यक्ष, और ये क्या है प्रत्यक्ष है। आगे हम बात करें 2014-15 की, तो 14-15 की अगर बात की जाए तो भारत की जो जीडीपी है भारत की जो जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद है उनमें कृषि का कितना योगदान है, तो उस चीज में अगर देखें तो कृषि का कितना योगदान है, 17.5% योगदान है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी है, उसमें कृषि का कितना योगदान है 17.5% क्या है योगदान है। अब बात करते हैं कि देश में जो कुल निर्यात होता है, देश में जो कुल निर्यात होता है उस निर्यात में कृषि का कितना योगदान है, यानी भारत में मान लो 100 रुपये का निर्यात कर रहे हैं उसमें से जो कृषि है उसका कितना योगदान है, तो उस आय में जो कृषि का योगदान है वो कितना है बेटा, 12.7% आय, यानी कुल में से कितना हिस्सा कृषि का है, 12.7% आय है वो कृषि जो उत्पाद हैं उनसे क्या होती है प्राप्त होती है। अगला पॉइंट अगर हम देखें को जो हमारा देश का कुल क्षेत्रफल है, देश का कुल क्षेत्रफल है तो कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर, यानी जो हमारा संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि कार्य किया जाता है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से इतनी जनसंख्या है और अप्रत्यक्ष रूप को अगर जोड़ें तो हम लगभग 80% आती है, तो क्षेत्रफल का विस्तार भी क्या मिलेगा हमें ज़्यादा मिलेगा। तो कितने प्रतिशत क्षेत्र है, 40.5% जो भूभाग है भारत का कुल उस भाग पे क्या किया जाता है कृषि कार्य किया जाता है, उस भूभाग पे क्या किया जाता है कृषि कार्य किया जाता है। तो ये तो हो गया बेटा इस कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे हम बात करेंगे भारतीय कृषि की विशेषता की, जो अगला हमारा पॉइंट रहेगा भारतीय कृषि की विशेषता। तो देखो पहले इन पॉइंटों को पुनः देख लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कितनी जनसंख्या निर्भर है 54.6। 2014-15 की अगर बात करें तो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जो जीडीपी है उसमें कितना योगदान है इसका, 17.5% योगदान है
स्पर्शिक। और निर्यात की अगर बात करें, अगर भारत में कुल निर्यात 100 रुपये का हो रहा है तो उसमें कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है किसकी? कृषि की। यानी जो आय 100 रुपये की हमें प्राप्त हो रही है उसमें कृषि का योगदान कितना है? 12.7% है। आगे हम बात करें क्षेत्रफल की, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल में से 40.5% जो भूभाग है उस पर क्या किया जाता है? कृषि कार्य किया जाता है। कितने प्रतिशत भूभाग पे? 40.5% भूभाग पे कृषि कार्य होता है। अब क्या देखेंगे? भारतीय कृषि की विशेषता। भारतीय कृषि की विशेषता में देखा जाए तो सबसे पहले तो क्या पॉइंट लिखेंगे जो हमने यहाँ पे पंक्ति में लिखा कि जनसंख्या इस पर क्या रहती है? निर्भर। कितनी जनसंख्या बताई थी? प्रत्यक्ष रूप से 54। तो जनसंख्या की क्या रहती है? निर्भरता। पहला पॉइंट क्या रहेगा? जनसंख्या की निर्भरता। दूसरे पॉइंट की बात करें तो मानसून पर निर्भरता, यानी भारतीय कृषि है वो किस पे निर्भर रहती है? मानसून पे। मानसून की निर्भरता। तीसरे पॉइंट में अगर हम देखें तो सिंचाई की सुविधाओं का अभाव रहता है। कौन सी सुविधाओं का? सिंचाई की जो सुविधा है उनका क्या रहता है? अभाव। सिंचाई की सुविधाओं का अभाव। चौथा पॉइंट की बात करें तो हेक्टेयर संबंधी पॉइंट आता है बेटा अगला, कि प्रत्येक हेक्टेयर क्या होता है? कम उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन। कम उत्पादन का कारण भी आपके सामने है क्योंकि मानसून पर निर्भर होती है, और सिंचाई की सुविधा का भी क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। पांचवा पॉइंट आता है इसमें चारा फसलों की कमी। चारा फसलों की कमी। किसकी कमी रहती है? जो चारा फसल है उनकी क्या रहती है? कमी रहती है। छठा पॉइंट आता है इसमें कृषि जोतों का छोटा आकार। कृषि जोतों का छोटा आकार। अगला पॉइंट हमारा 7 नंबर पॉइंट है, वो रहेगा फसलों की विविधता। क्या रहेगा? फसलों की विविधता। तो भारतीय कृषि की अगर कोई विशेषता पूछ ली जाती है आपसे कि भारतीय कृषि की विशेषता बताइए, तो आपको बेटा ये 7 पॉइंट बताने हैं। पहला पॉइंट है कि जनसंख्या की निर्भरता। किस पे निर्भर? जनसंख्या पे। दूसरे है मानसून पर निर्भर। किस पे? मानसून पर निर्भर। अगला पॉइंट है इसमें तीसरा, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। यानी जो भारतीय कृषि है, यानी भारत में जो कृषि की जाती है उसमें किसका अभाव ज़्यादा रहता है? सिंचाई का। क्यों? क्योंकि वर्षा भी क्या होती है?
अपेक्षा कम होती है। फिर है सिंचाई का अभाव है तो प्रति हेक्टर उत्पादन भी क्या होगा बेटा, कम होगा। पांचवा पॉइंट आता है चारा फसलों की कमी, तो चारा फसलों की कमी होगी तो पशुधन में भी धीरे धीरे क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। फिर है जो भारतीय कृषि है उसमें जो जोतों का आकार होता है वो आकार क्या है बेटा, छोटा है। जोतों का आकार क्या बताया गया है, छोटा बताया गया है। और लास्ट में है कि यहाँ पे जो फसलों की क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। आगे हम पढ़ेंगे बेटा इसी में कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, यानी भारतीय जो कृषि है उसमें कौन कौन सी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, क्या समस्याएं हैं। क्या देखेंगे, समस्या। तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो सबसे पहले तो जो समस्या है वो है जनसंख्या। भूमि पर क्या है बेटा, जनसंख्या का अधिक भार है। भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता भार है, पॉइंटों से जल्दी याद हो जाता है। दूसरा है असंतुलित वितरण, यानी जो हमारी भूमि है, जो भूमि है उसका क्या है बेटा, भूमि का असंतुलित वितरण, यानी वितरण क्या है, संतुलित न होके असंतुलित है। भूमि का असंतुलित वितरण, फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि तीसरी क्या समस्या है हमारी कृषि की, तो कृषि की न्यून उत्पादकता, कृषि की न्यून यानी कम उत्पादकता, यानी जो उत्पादन हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा, कम उत्पादन हो रहा है। अगला पॉइंट आता है इसमें मौसम की मार, तो मौसम की मार अभी पढ़ के गए थे पीछे, मौसम क्या नहीं है, सही नहीं, यानी वर्षा कई स्थानों पे तो अधिक हो जाती है, कई ऐसे स्थान है जहाँ पे वर्षा होती नहीं है। उदाहरण के तौर पे हमारा राजस्थान की बात कर लो, जैसलमेर की, जैसलमेर में वर्षा सबसे कम होती है। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें, किसान का भाग्यवादी दृष्टिकोण, किसान का भाग्यवादी दृष्टिकोण कैसे, फसल खड़ी है खेतों में, किसी के ज़्यादा है, किसी के कम है, किसी में है ही नहीं, तो क्या बोलते हैं कि जो भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा, तो वो दृष्टिकोण भी एक समस्या है। जैसे फसल छोटी है तो उसमें हम सिंचाई कर सकते हैं, कोई दवाई डाल सकते हैं, कोई खाद डाल सकते हैं, तो उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या है बेटा, भाग्यवाद, यानी जितना भाग्य में लिखा है हमें उतना ही मिलना है, ये भी हमारी एक क्या है, समस्या है। आगे हम बात करें तो सिंचाई के साधनों का सीमित विकास, सिंचाई के साधनों का सीमित विकास, यानी जो सिंचाई के साधन हैं उनका विकास क्या है, सीमित रह गया है, यानी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं हम, जहाँ पे हैं वहीं रखा हुआ है इसको। फिर है
कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना, तो सीधी सी बात है कृषि है वो क्या है, परंपरावादी है। कृषि का परंपरावादी होना, अशिक्षित थोड़ी होगी कृषि, नहीं होगी, किसान अशिक्षित हो सकते हैं। फिर है विभिन्न योजनाओं का सामान्य किसानों को लाभ नहीं पहुंचना, यानी जो लाभ मिलना चाहिए किसानों को वो लाभ नहीं मिल रहा है, किसानों को कृषि संबंधी लाभ न पहुंचना या फिर न मिलना, यानी जितना किसानों को कृषि संबंधी लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे जितने भी ये बीमा कंपनी हैं बेटा, वो क्या करती हैं कि कुछ क्षेत्र विशेष का जायजा करवाते हैं, अगर इस क्षेत्र में कृषि अच्छी हुई है तो इसके आसपास वाले जो क्षेत्र हैं उनमें भी वो कंपनियां क्या करती हैं कि इन क्षेत्रों में भी कृषि क्या हुई है, अच्छी हुई है। तो बीमा कंपनी द्वारा जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता, यानी सरकार किस पे, बीमा कंपनी यानी हमारे खेतों की बीमा होती है, कहीं कहीं बोलते हैं ना क्लेम आया है, तो वो इसी के आधार पे है, तो सभी किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता है। अब बात करें नौवें पॉइंट की, इसमें क्या होता है, जो हमारा कृषि संबंधी उत्पाद हैं उनको हम सही पैसों में नहीं बेच सकते, यानी हमें सही भाव नहीं मिलता है, कृषि उत्पादों का सही भाव किसानों तक न पहुंचना, वो भी एक क्या है, समस्या है। इस प्रकार से ये समस्याएं हैं बेटा जो हमें कृषि कार्य में देखने को मिलती हैं। तो पहली जो समस्या हमारे सामने आती है वो क्या है कि जो हमारी भूमि है उस पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, जनसंख्या का जो भार है वो बढ़ रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा है भूमि का असंतुलित वितरण, यानी जो भूमि है उसका वितरण क्या है, असमान रूप से है, कहीं पे समतल है, कहीं पे उबड़ खाबड़ है, कहीं पे पथरीली है, और कहीं कहीं जाके देखेंगे तो एकदम मैदानी भूभाग है। फिर आता है कृषि की न्यून उत्पादकता, यानी कृषि में जो उत्पादन होता है उसमें भी क्या देखने को मिल रहा है, हमें कमी देखने को मिल रहा है। इसका उदाहरण क्या है, मौसम की मार, यानी मौसम की मार है वो भी क्या प्रभावित करती है कृषि को, मौसम की वजह से भी उत्पादन कम होता है, कई क्षेत्रों में वर्षा पहले हो जाती है और कईयों में लास्ट तक वर्षा होती है, यानी जो मानसून आता है वो समय पे नहीं पहुंच पाता है, वो भी हमारे लिए एक समस्या है। फिर अगला हमारा पॉइंट है कि किसानों की जो सोच है वो क्या है, भाग्यवादी है, यानी भाग्य के अनुसार वो कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा है उतना हमें मिल जाएगा, जो भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलेगा, वो भी हमारे लिए एक क्या है, समस्या है। फिर है सिंचाई के साधनों का सीमित विकास, यानी जो सिंचाई के साधन हैं उनका विकास है वो क्या हुआ है, सीमित क्षेत्र में ही हुआ है, यानी सभी किसानों तक है सिंचाई सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आगे हम बात करें तो कृषि का परंपरावादी होना, यानी जो कृषि है जो पीछे से परंपरा के अनुसार चलती आ रही हैं उसी को हमें आड़ू भाषा में बोलते हैं ना बेटा, ढिडोरा पीट रहे हैं, उन्हीं कृषियों को हम काम में ले रहे हैं, ना कि उसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। लास्ट आता है किसानों को कृषि संबंधी लाभ नहीं मिलना, यानी किसानों को जो कृषि संबंधी लाभ मिलना चाहिए वो सरकार द्वारा तो प्रदान किया जाता है, लेकिन जो बीच में कंपनियां हैं वो हमें नहीं पहुंचा पा रही हैं। लास्ट पॉइंट इसमें हमने लिखा था बेटा कि जो किसानों का उत्पादन हुआ है कृषि संबंधी, तो उसका पर्याप्त मात्रा में जब वो किसान अपना अनाज बेचते हैं तो उसका उनको सही मात्रा में दाम नहीं मिल रहा है, वो भी किसान के लिए क्या है, समस्या है। अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा कृषि के प्रकार, जो विषय में पढ़े थे उन्हीं में से कृषि आएंगी कुछ। तो जो पीछे हमने पढ़ा था बेटा उन्हीं को दोहराना होगा और साथ साथ में आपके याद भी हो जाएगा। वही बात है जैसे जनसंख्या वाले कितने चैप्टर हैं, दो विषय में हैं, दो भारत में हैं और राजस्थान में भी हमने पढ़ा था। तो जनसंख्या में वेतन संबंधी बात आती है, घनत्व संबंधी बात आती है, वर्दी संबंधी बात आती है, साक्षरता संबंधी, लिंगानुपात संबंधी, यानी वो समान थे। तो उसी प्रकार कृषि संबंधी अगर हम बात करेंगे तो कृषि का महत्व
दोनों जगह क्या है, समान है विश्व में और भारत में, लेकिन विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं हमें अलग अलग देखने को मिलेंगी। राजस्थान की अलग मिलेगी आपको, उत्तर प्रदेश की अलग मिलेगी, उसी प्रकार से भारत और विश्व में भी क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। अब बात करेंगे कृषि के प्रकारों की, कृषि कितने प्रकार की है, यानी कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकारों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम निर्वहन कृषि के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो प्रकार रहेगा वो रहेगा निर्वहन कृषि। तो निर्वहन कृषि क्या होती है बेटा, जो अपने जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, यानी जो पीछे परंपरा है, यानी परंपरागत रूप से चली आ रही कृषि ही क्या है, निर्वहन कृषि, यानी प्राचीन काल से जो कृषि हम कर रहे हैं, जिन उपकरणों की सहायता से हम कृषि कर रहे हैं, वही क्या है, निर्वहन कृषि है। तो पॉइंटों में अगर देखेंगे तो जल्दी याद होगा, तो देखते हैं बेटा, यह कृषि परंपरागत रूप से की जा रही है। पहला पॉइंट क्या है, यह कृषि परंपरागत रूप से की जा रही है। कौन से रूप से की जा रही है, परंपरागत रूप से की जा रही है। इसके अंतर्गत मानव अपने प्राचीन कृषि उपकरणों की सहायता से केवल उदार पूर्ति के लिए ही कृषि कार्य करता है। तो सीधा सा अर्थ है, प्राचीन काल यानी प्राचीन कृषि उपकरणों की सहायता से की जाने वाली कृषि, यानी प्राचीन जो कृषि उपकरण हैं उनकी सहायता से ये कृषि की जाती है। आगे हम देखें तो इस कृषि में रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है। ध्यान देना, जो निर्वहन कृषि है या फिर मैं कहूँ निर्वहन या निर्वहन एक ही है बेटा, तो उसमें क्या होता है कि जो रासायनिक खाद है उसका प्रयोग तथा कीटनाशक जो दवाइयां हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में अतिरिक्त खाद्यान्न भी उत्पन्न नहीं किया जाता है, अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न नहीं किया जाता है। इस कृषि में क्या होता है बेटा कि जो अतिरिक्त खाद्यान्न है उसका उत्पादन नहीं किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे जो निर्वहन कृषि है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो आदिम और दूसरा है गहन, यानी आदिम निर्वहन कृषि और गहन निर्वहन कृषि, उनको भी अलग अलग भागों में बांटा है। आदिम निर्वहन कृषि स्थानांतरित कृषि व्यवस्थाई, और गहन निर्वहन कृषि है वो चावल प्रदान और गेहूं प्रदान। तो पहले तो इन पॉइंटों को अच्छी तरीके से देख लो कि निर्वहन कृषि या निर्वहन कृषि क्या है। तो यह कृषि परंपरागत रूप से की जा रही है, यानी पीछे की जो हमारी परंपरा है उस हिसाब से ये कृषि की जा रही है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा कि इस कृषि में जो उपकरण काम में लिए जाते हैं वो क्या है, प्राचीन उपकरण ही काम में लिए जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, इस कृषि में
रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है, यानी खाद और जो दवाइयां हैं उनका उपयोग इस कृषि में नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है कि इस कृषि में अतिरिक्त कोई उत्पादन नहीं होता है, यानी अन्य जो खाद्यान्न हैं उनका उत्पादन नहीं किया जाता है। अब आगे इसमें हम देखेंगे बेटा कि जीवन निर्वाह कृषि का वर्गीकरण की बात करें तो इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो एक तो है बेटा आदिम, कौन सी है? आदिम निर्वहन कृषि। और दूसरी आती है गहन निर्वहन कृषि। ये जो आदिम कृषि है इसको भी कितने भागों में बांट दिया है? दो भागों में बांट दिया है। एक तो है स्थानांतरित, कृषि, और दूसरी है स्थायी कृषि। यानी स्थानों को बदल कर की जाने वाली कृषि और एक जगह स्थिर रह के की जाने वाली कृषि। दूसरा आता है बेटा गहन निर्वहन कृषि, इसको भी कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। पहला है चावल प्रधान, और दूसरा पॉइंट आता है इसमें गेहूं प्रधान। पहला कौन सा है? चावल प्रधान। दूसरा कौन सा है? गेहूं प्रधान कृषि। तो ये तो हो गया बेटा इसका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के बाद में हम देखें तो आगे इनका वर्णन भी पूछा गया है। तो वर्णन में सबसे पहले तो इनका वर्णन देखेंगे, फिर आगे चल के देखेंगे इन दोनों का, यानी आदिम निर्वहन कृषि क्या होती है, उसमें स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, स्थायी कृषि किसे कहते हैं। दूसरा आता है हमारा गहन निर्वहन कृषि। तो गहन निर्वहन कृषि है उसमें चावल प्रधान कृषि कौन सी होती है और गेहूं प्रधान कृषि कौन सी होती है, इन दोनों को हम एक बार पहले भी देख चुके हैं। चावल प्रधान और गेहूं प्रधान और स्थानांतरित कृषि या फिर स्थायी कृषि है, इनसे संबंधित बातें हम पहले भी कर चुके हैं। और इसमें देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में ये कृषि की जाती है, यानी इस कृषि को कौन से क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ी महत्वपूर्ण रहेगी बेटा स्थानांतरित कृषि। इसके अलावा आगे और भी प्रकार आएंगे कृषि के, ट्रक कृषि है, फार्मिंग कृषि है, फल उद्यान कृषि है, वनोद्यान कृषि, इस प्रकार से अलग अलग कृषियों के प्रकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें इन प्रकारों के बारे में देखना है। तो आगे हम जिक्र करेंगे बेटा आदिम निर्वहन कृषि और गहन निर्वहन कृषि। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।